केमा, हम एमिर की बात कर रहे हैं। उसे पता है उस रात क्या क्या हुआ था। उसने कैरन को हमसे पहले ही किडनैप कर लिया। तो क्या हो गया? अब हम सब जानते हैं। तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे पागल कर देगा केमाल। देखो, ये एटीट्यूड नहीं है, ये सच्चाई है निहान। पर मैं तुम्हें एक सच्चाई बताती हूँ केमाल। सच्चाई ये है कि एमिर अब हमारे पीछे लगा है और वो हम दोनों को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि करण हमसे कुछ छुपा रही थी, और एमिर को इसी बात का डर है कि कहीं हमें सच्चाई का पता ना चल जाए। हम इतने समय तक सिर्फ गेस कर रहे थे निहान, लेकिन सच्चाई हमारे सामने है। और मुझे बस इसी बात का डर है, अब हम क्या करेंगे? एक काम करो, तुम अभी उजान के पास जाओ और मैं जाकर ज़ैनब को ढूंढता हूँ। हमें एमिर का ये मुखौटा किसी भी हाल में उतारना ही पड़ेगा, पर धीरे धीरे। तुम उस तक कैसे पहुंच पाई? कैसे? एमिर का फोन है। शांत हो जाओ, उठाओ। पर मैं उसे क्या कहूंगी केमाल? तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है, डरना उसे है, हमें नहीं। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं रास्ते में हूँ और मुझे अभी कुछ पता चला है। मैं शॉक में हूँ, मैं तुम्हें अपनी लोकेशन नहीं बता सकती। क्या पता चला है? उजान ने सुसाइड करने की कोशिश की। ये तुम क्या कह रही हो? अब वो ठीक है? हाँ, सब हॉस्पिटल में है और मैं भी अब हॉस्पिटल ही जा रही हूँ। अब उस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया जो ओजान को ये करना पड़ा? ज़ैनब घर छोड़कर चली गई। कहाँ चली गई? कोई जानता है वो कहाँ गई है? वो कोई भी नहीं जानता। ये सोएडर भाई बहन बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये भाई बहन साथ मिलकर हमें तबाह करना चाहते हैं। बहुत अच्छे से प्लान कर रहे हैं। मैं फोन रख रही हूँ एमिर। अब इस बेवकूफ को देखो। अगर तुम्हें ज़ैनब मिल गई तो क्या तुम उसे ले आओगे? अगर वो चाहेगी तो हाँ। मैं उसे घर जाने नहीं कह सकता। पहले मुझे ज़ैनब को ढूंढना होगा और ये भी पता लगाना होगा कि वो चली क्यों गई। बाकी उसका फैसला है। ये सब खत्म नहीं होगा। हम एक साथ रहने की इतनी कोशिशें कर रहे हैं। हम कहते हैं कि एक उम्मीद है और हम इस उम्मीद के पीछे भाग भी रहे हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है। ये प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगी। जितना हम साथ रहते हैं उतनी ही बढ़ती जाती है। देखो, इस तरह से तो हम ये लड़ाई हार जाएंगे निहान। तुम अपनी कमजोरी नहीं बता सकती और तुम्हें मजबूत रहना होगा। जिंदगी तुम्हें जीतने का मौका दे रही है निहान। कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है।